नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, सबसे ज़्यादा प्रमुख जो ध्यान दिया गया था वो रोज़गार था, और निस्संदेह समाज के एक निम्न वर्ग से लगाकर एक उच्च शिक्षित युवा तक रोज़गार प्राप्त कर सके और उसके हितों की रक्षा हो सके, इसके लिए श्रम मंत्रालय लगातार अपनी योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है। सबसे पहले उनसे जानते हैं कि किस तरह से सरकार के इस कामकाज को देखते हैं। भाई साहब, पूरा लगभग एक साल होने को आ गया है आपकी शपथ ग्रहण से लगाकर आज तक, किस तरह से प्रदेश के विकास को देख रहे हैं और क्या नई संभावनाएँ खासकर श्रम मंत्रालय के माध्यम से नज़र आ रही हैं? देखिए, एक बात तो ये स्पष्ट करूं कि हमारा कार्यकाल एक साल का हुआ ज़रूर है, किंतु इसमें ढाई महीना इलेक्शन के निकाल दीजिए और दो महीने हमारी बारिश का निकाल दीजिएगा, जिसमें काम बिल्कुल भी नहीं हो पाए, तो करीब 7 या 6 महीने हमको मिला है टोटल काम के लिए। और मैं समझता हूं कि इस 6 माह के अंदर हमारी कमलनाथ जी की सरकार ने विभिन्न विभागों के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को नया आयाम देने का प्रयास किया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं के क्षेत्र में, हर विभाग में हर जाति और वर्ग के लोगों के लिए विकास के उन्होंने आयाम स्थापित किए हैं, जो एक अपने आप में कीर्तिमान साबित हो रहे हैं। जहाँ तक श्रम विभाग की बात है, तो श्रम विभाग में भी 6 माह के इस कार्यकाल में मैं निरंतर प्रयासरत हूँ कि हमारे श्रमिक भाइयों के लिए, उनके परिवारों के लिए हम क्या बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए भी हम सभी योजनाएं बना रहे हैं और जल्दी से जल्दी उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। अभी श्रम विभाग के माध्यम से जिस दिन मैंने शपथ ली थी, उसके बाद ही तुरंत सबसे बड़ी योजना जो पूर्ववर्ती सरकार की थी, संबल योजना, जो माननीय शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में प्रारंभ की गई थी, और उस तरीके से संबल योजना का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, और मैंने उसका वेरिफिकेशन जब कराया पात्र और अपात्र लोगों का, तो करीब 35% मध्य प्रदेश के लोग जो श्रमिक नहीं हैं, उन लोगों को पंजीकृत करके और उपकृत करा माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने। और आने वाली कैबिनेट की मीटिंग में, चूँकि अब वो पूरा फिल्ट्रेशन हो चुका है कि किस जिले में कितने कितने अपात्र लोगों को जोड़ा गया और कितनी राशि उन लोगों के द्वारा उपयोग की गई, और इस राशि में मुख्य रूप से जो 100 रुपये यूनिट और 100 रुपये बिजली का बिल का प्रावधान था, उसमें बड़े लोगों ने किस तरीके से श्रमिकों के हक को छीना, इस बात को विशेष रूप से हम गौर कर रहे हैं, और कैबिनेट की मीटिंग में इस सारे चीज़ों को प्रेसी को हम लेके आएंगे, और फिर जो भी कैबिनेट निर्णय करेगी उसके बाद उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, जैसा आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि 70% इंडस्ट्रीज़ में मध्य प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। पहले होता ये था कि ऑल इंडिया के लोग आते थे और हमारे प्रदेश के लोग वंचित रह जाते थे, तो 70% आउट ऑफ 100% 70% जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश के होंगे और 30% आउटसाइडर्स होंगे। तो ये एक निश्चित रूप में अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, जो आने वाले समय में आपको स्पष्ट दिखाई देगा। और जिस दिन से कांग्रेस की सरकार बैठी है मध्य प्रदेश में, अगर आप बेरोजगारी का डाटा उठा के देखेंगे तो काफ़ी हद तक नीचे गिरा है, और उसका मुख्य कारण यही है कि पारदर्शिता के साथ, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार, कमलनाथ जी की सरकार कार्य कर रही है, और आने वाले दिनों में भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें मध्य प्रदेश की जनता को ये सरकार देने वाली है। बस अब सरकार के जो मंत्री हैं लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, क्या लगता है जो ज़मीनी स्तर पर की समस्याएं थी, शिकायतें थीं, वो वाकई अब यहां तक पहुंच रही हैं? क्योंकि पहले लोगों का पहुंचना ही मुनासिब नहीं होता था, अब कम से कम लोग अपनी बात रख पा रहे हैं। क्या क्या समस्याएँ निकली हैं और कैसे दूर की जाएंगी? देखिए, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम सबसे पहले हमारे गुना जिले में माननीय श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इस बात की घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो गरीब जनता को, आम नागरिकों को कलेक्टरेट के चक्कर नहीं लगाने चाहिए और सरकार उनके खुद द्वार पर जाए। और उसी कंसेप्ट को लेकर माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम स्थापित किए पूरे मध्य प्रदेश में, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हालांकि मैं मानता हूं कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नियम विरुद्ध भी आती हैं, आवेदन इस तरीके के भी आते हैं जो करने योग्य नहीं होते हैं, मगर जो करने योग्य आवेदन होते हैं उसका स्पॉट पे ही पूरा निराकरण होता है, और उससे लोगों को लाभ भी प्राप्त हो रहा है, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और
ब्लॉक स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक भी आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और भविष्य में भी हम करेंगे, जिससे कि लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। एक सवाल जो है वो हमेशा मैं जिनसे भी मिलता हूँ पूछता हूँ, और इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि जब से सरकार बनी है, सरकार का ये दावा है कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन विपक्ष जो है उसके तमाम सारे नेता, चाहे विधायक हों, नेता प्रतिपक्ष हों, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, हमेशा ये शिकायत करते रहते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो आम लोगों के हित में काम नहीं कर रही, ट्रांसफ़र का उद्योग चल रहा है, तमाम सारे आरोप हैं। इन आरोपों को कैसे देखते हैं? देखिए, आरोप लगाना विपक्ष का काम है, मगर मैं माननीय शिवराज सिंह जी और विपक्ष से पूछना चाहूँगा कि उनके 15 वर्ष के कार्यकाल में क्या उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं की, क्या नहीं किया उस सरकार ने? ये आप और हमको बहुत अच्छी भली बात ही, हम इस बात से परिचित हैं। जहाँ तक ट्रांसफरों की बात है तो ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है, किसी भी सरकार को जब जनता चुन के भेजती है तो एक रिशफल होता है, और रिशफल में एक नेचुरल बात है कि ट्रांसफर्स होंगे, जो कर्मचारी अधिकारी कई सालों से बैठे हुए हैं, हम क्या उन लोगों को स्वीकार कर लें जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्या उनको उस क्षेत्र से ना हटाएं? ये मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है। और जो ट्रांसफर्स होने थे वो हो चुके हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो कोऑर्डिनेशन के माध्यम से होने चाहिए और स्थानांतरण अवश्य होने चाहिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एक आरोप ये भी हमेशा लगता है कांग्रेस के ऊपर कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है वो अलग अलग कांग्रेस है, और जब हम राजनीति को करीब से देखते हैं तो नज़र भी आता है कि एक कांग्रेस दिग्विजय सिंह की कांग्रेस है, एक सिंधिया जी की कांग्रेस है, एक कमलनाथ जी की कांग्रेस है। क्या लगता है, जिस तरह के लोग कयास लगा रहे हैं, क्या वो बातें सच है, और वाकई सरकार में अंदरूनी तौर पर सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक है, हमारी नेता माननीय सोनिया गांधी, माननीय राहुल गांधी जी हैं। हाँ, अपने अपने व्यक्तिगत व्यक्तियों के प्रशंसक हो सकते हैं, मगर जहाँ तक पार्टी के फोरम की बात आती है, कांग्रेस हमेशा एकजुटता के साथ खड़ी है और एकजुटता के साथ खड़ी रहेगी भविष्य में भी। थोड़े दिन पहले इस तरह की बातें चली थी कि मध्य प्रदेश का जो नया अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाए, और तब एक युवा चेहरे की मांग उठी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम इसमें प्रमुखता से सामने आया। तब उनके पोस्टर्स लगे थे भोपाल में, और कार्यकर्ताओं ने बड़ा जोर देकर ये कहा था कि सिंधिया जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। अब चूँकि झाबुआ की सीट कांग्रेस के हाथ में है, एक आदिवासी चेहरा और वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस को मिले हैं, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का जो फैसला है उसे लेकर कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, और अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होना चाहिए आपकी नज़र? देखिए, ये फैसला ना तो मैं करूँगा ना दूसरे कोई करेगा, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय सोनिया गांधी और माननीय राहुल गांधी जी को करना है। किंतु मेरी ये व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत राय है कि एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको पार्टी फोरम पे इकट्ठा कर सके और उनको अपने पार्टी में मिला सके, और एक ऊर्जावान नेतृत्व होना चाहिए। और निश्चित रूप से माननीय सिंधिया जी नंबर वन पे इस पे आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी है उसमें माननीय सिंधिया जी का भी बहुत बड़ा एक रोल है, और उनकी क्षमताओं को देखते हुए, उनकी कैपेसिटी, उनकी एनर्जी को देखते हुए, और उनका एक जो चेहरे का आकर्षण है जिससे आम जनता प्रभावित होती है, उस सबका उपयोग कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। ये अगर करते हैं तो निश्चित रूप से उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, किंतु निर्णय नेतृत्व को ही करना है, और उस नेतृत्व के निर्णय के साथ हम सब खड़े हैं। कार्यकर्ताओं ने बात पहुंचाई नेतृत्व तक अपनी? कार्यकर्ताओं की बात उनकी एक भावना होती है जो वो अक्सर अलग अलग फोरम से पहुँचाते रहते हैं, और अल्टीमेट तो माननीय सोनिया जी को ही निर्णय करना है। और मैं समझता हूँ कि पार्टी संगठन में कोई इस बात की बात नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये OBC से बनेगा कि ट्राइबल से बनेगा कि SC से बनेगा, जो व्यक्ति कॉम्पिटेंट हो उस व्यक्ति को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। तब तक आ सकता है फैसला, कोई संभावना है? अब देखिए, ड्यू तो पड़ा है काफ़ी दिनों से, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी निराकरण होना चाहिए, और जो भी निर्णय करना है पार्टी हाईकमांड को जल्दी करना चाहिए, क्योंकि नगर निगम के चुनाव भी आ रहे हैं, पंचायतों के चुनाव भी आ रहे हैं, और पार्टी को संगठन में मजबूती लाना आवश्यक है। सर, अंतिम सवाल यह है कि हाल ही में मैग्निफिसेंट MP करके एक बड़ा आयोजन सरकार ने किया था, एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है इंदौर पीथमपुर, जहाँ कई सारी कंपनियाँ हैं, कंपनियाँ आती है, निवेशक आते हैं, लेकिन धरातल तक आते आते कई सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। अब सरकार कैसे एकदम स्मूथ तरीके से उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी, और आने वाले दिनों में जो तस्वीर है उस क्षेत्र की वो कैसे बदलेगी? देखिए, अभी जो इन्वेस्टर्स मीट हुआ था मैग्निफिकेशन मध्य प्रदेश कॉन्सेप्ट पे,
बहुत स्पष्ट बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि जो भी उद्योगपति आएंगे उनको किसी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मध्य प्रदेश की सरकार उद्योगपति उद्योगों को लाने के लिए बहुत तत्पर है। और कई जो इन्वेस्टर्स बड़े बड़े उद्योगपति आए उन्होंने अपने भाषणों में यही बात कही कि हम लोग स्लो हैं मगर मध्य प्रदेश की सरकार बहुत फास्ट वर्किंग कर रही है, उनकी जो भी परेशानी है उनको मध्य प्रदेश की सरकार इमीजिएटली निपटाएगी, और मध्य प्रदेश जब भी डेवलप होगा जब बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। और मैंने अम्बानी जी को भी सुना, मैंने महिंद्रा जी को भी सुना, बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति थे जिन्होंने अपनी स्पीचेस में इस बात का उल्लेख किया कि अब मध्य प्रदेश में परिवर्तन की एक बात है। चूँकि माननीय कमलनाथ जी स्वयं एक कॉरपोरेट वर्ल्ड के व्यक्ति हैं और एक विज़न और एक सोच के साथ मध्य प्रदेश को आगे लाना चाहते हैं, तो पिछले सरकार ने जो किया उन्होंने बहुत खर्चे किए और खर्चे करने के बाद MOU करोड़ों रुपये के साइन हुए, अरबों खरबों के, मगर कोई उद्योग स्थापित नहीं। MOU साइन करने से उद्योग नहीं आते हैं, उद्योग आते हैं जब उद्योगपतियों को ये लगने लगे कि हाँ ये सरकार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश में बड़े बड़े उद्योग लगेंगे और बहुत अच्छा निवेश मध्य प्रदेश को मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसे अपने सपनों का प्रदेश बताते थे, लेकिन अब केंद्र में उनकी सरकार है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, क्या लग रहा है, केंद्र से सहयोग मिल रहा है या रुकावट आ रही है? माननीय शिवराज सिंह जी ने क्या कहा कि सपनों का मध्य प्रदेश है, मैं उनसे कहूँगा कि सपने का नहीं है, हकीकत में होना चाहिए मध्य प्रदेश हमारा, सपना देखना नहीं चाहिए। और आज सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि अतिवृष्टि से करीब करीब 10,000 करोड़ का नुकसान मध्य प्रदेश को हुआ है, और माननीय कमलनाथ जी ने माननीय मोदी साहब को और अमित शाह जी को भी इस बारे में रिप्रेजेंटेशन दिया है। आज 28 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं मध्य प्रदेश में, क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि कांग्रेस को कोसने के बजाय अगर वो जाके प्रधानमंत्री से इस बात की बात करें कि मध्य प्रदेश का जो हक है, जो हमारा शेयर है, वो हमको मिलना चाहिए और मध्य प्रदेश की जनता को राहत जल्दी से जल्दी पहुँचा जाना चाहिए। तो ये थे मध्य प्रदेश के कैबिनेट विभाग के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, जिन्होंने आने वाले मध्य प्रदेश का विज़न क्या है और सरकार किस तरह से युवाओं के लिए काम कर रही है उसको लेकर अपनी बात रखी। निसंदेह जो काम हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जनता की जो एक सामान्य ज़रूरत है, जो मूलभूत आवश्यकता है, उसमें अब रोज़गार भी शामिल हो रहा है। ऐसे में उम्मीद यही की जा सकती है कि सरकार की आने वाली योजनाएँ युवाओं को लाभ पहुँचाएंगी और मध्य प्रदेश का जो सपना एक आम नागरिक से लेकर हमारी सरकार देखती है उस अपने को पूरा करने में विभाग की योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान होगा। मेरे सहयोगी आयुष यादव के साथ मैं राहुल तिवारी, टैलेंटेड इंडिया, इंदौर। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।